स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन जो बिल्कुल कौले, छोटे और लंबे हैं, प्याज कटी हुई, अदरक लहसुन की पेस्ट, हींग, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, मिर्च, तिल और मूंगफली जो मैंने साथ में सेक कर मिक्सी में पीस लिए हैं, थोड़ी शक्कर, टमाटर, हरा धनिया। तो सबसे पहले हम बैंगन में भरने वाला स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन लेंगे, इसमें सारे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 1.5 से 2 टीस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 पूरा टीस्पून, चुटकी भर हींग, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। इन सबको मिक्स करके अब ये बेसन जो है इसमें तेल मिक्स हो गया है इसलिए चिकना नहीं होगा। अब इसमें तिल और मूंगफली की पेस्ट डालेंगे। मैंने 10-10 ग्राम तिल और मूंगफली, खारी सिंह 10 से 15 ग्राम ली थी, उसे सेक कर मैंने पीस लिया था। अभी ये जो स्टफिंग तैयार हो गई है इसके हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 से 1.25 चम्मच नमक डालेंगे। मसाला तैयार है। अब बैंगन काट कर इसमें मसाला भर देते हैं। बैंगन को पूरा नहीं काटना है, यूं एंड तक ले जाकर ऐसे क्रॉस में चीरा लगाना है ताकि पूरा बैंगन इस तरह से खुल जाए। अब इसको भर लेते हैं यूं खोलकर, धीरे धीरे अंदर दबाते जाएंगे। बैंगन भर लिए हैं, अब इनका बघार कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। 2 से 2.5 चम्मच तेल लिया है हमने, क्योंकि ये तेल में ही पकेंगे। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, 2 से 2.5 चम्मच। मैंने 2 छोटे प्याज काट के रखे थे। प्याज गुलाबी होने तक इसे भूनना है। गुलाबी हो गए हैं प्याज। दोस्तों, एक कमाल की बात है कि जब भी हम प्याज भून रहे हो ना, तब उसमें चुटकी भर नमक डालें ना, तो प्याज में से शक्कर छूट जाती है और वो कैरमलाइज हो जाते हैं। भुन गए हैं प्याज, अब इसमें टमाटर डालते हैं। एक से डेढ़ बड़ा टमाटर लेना है या फिर 2 छोटे। ये टमाटर मैंने बारीक काट लिए थे। अगर ज्यादा ग्रेवी पसंद हो तो टमाटर ज्यादा लें। टमाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बनती है, क्योंकि ये बेसन का ही बनता है। अब प्याज टमाटर के हिसाब से इसमें मसाले डालते हैं। चुटकी भर हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया जीरा। टमाटर हल्के नरम हो जाएं तो हम उसमें बैंगन रख देते हैं जो हमने भर के रखे हैं। बैंगन रख देते हैं। थोड़ा सा चला लेंगे। ये सारे मसाले जल ना जाएं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इंडक्शन बिल्कुल कम करके धीमी आंच पर पकने देंगे, ढक्कन बंद करके। अभी देख लेते हैं। ओ, बैंगन पक गए हैं। जो स्टफिंग बनाया था ना हमने, वो थोड़ा सा रह गया है, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। अब एक और मिनट इसे पका लेते हैं ढककर। बैंगन पक गए हैं ना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से चला लेंगे इसे। पानी डालेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच, और 1 मिनट के लिए ढक देंगे।
देख लेंगे। ये एक सब्जी ऐसी है जिसकी खुशबू आसपास के घरों में भी आती है। तैयार है भरवा बैंगन, इसे सर्व करते हैं। इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तो दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी भरवा बैंगन।